जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। मैं जो स्क्रैच किया था वहां पे स्क्रैपर को सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे सुरा के बराबर, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा सीधा, ठीक है ना। देखो मैं हीट करूंगा, ये और धीरे 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 क्या करूंगा, इसको नीचे लाऊंगा, और ये मेरा क्या रिमूव हो गया, क्या रिमूव हुआ, मतलब अगर घुस गया स्क्रैपर तो फटांग से आपको उठा लेना नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीपीयू रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, सीपीयू। नहीं, सीपीयू रिमूव करने के लिए 10-20 हीट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बॉल ज्यादा है, इसमें 10-20 रन बढ़ जाएगा। एयर सेम ये मेरा क्या रिमूव हो गया। अब डबल डी का सैमसंग की पीसीबी में मैंने कहा था कि एनसी पॉइंट उखड़ जाएगा, वो आईसी को भी जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे, किसको क्लीन करेंगे, बोर्ड कोई डिसॉल्वेशन, Thank you.
जैसे डिसोल्ड डिसोल्ड हो जाएगा तो आपको बिना हीट के एक बार स्क्रैपर चला लेना है, क्योंकि ये व्हाइट पेस्टेड है और ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है तो क्या हो जाता है, कोई कोई पेस्ट रह जाता है तो दिखता नहीं। तो एक बार स्क्रैपर ऐसे बिना हीट के चला लोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि अटक रहा है स्क्रैपर, इसका मतलब वहाँ पे पेस्ट है। और आप ऐसे करके देखोगे तो वहाँ पे पेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके कारण हमें दिखना नहीं। तो ये हो गया मेरा बोर्ड क्लीन, ज्यादा कुछ नहीं है व्हाइट पेस्टेड में, ये मेरा बोर्ड क्लीन हो गया। अब आएंगे हम क्या, सीपीयू क्लीनिंग। कहाँ पे आएंगे, सीपीयू क्लीनिंग आएंगे। डबल डेकर सीपीयू दो तरीके से मिलेगा, कितने तरीके से मिलेगा, दो तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रे जैसा दिख रही ना, गड्ढा गड्ढा। अच्छा, और एक डबल डेकर सीपीयू देखो, प्लेन सरफेस दिख रही है ना, प्लेन सरफेस। तो डबल डेकर सीपीयू दो तरीके से मिलता है, एक प्लेन सरफेस वाला, मतलब ऊपर वाला प्लेन सरफेस मिलेगा, एक ट्रे वाला मिलेगा, खांचा वाला, अंडे की ट्रे जैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो जो ट्रे वाला है वो थोड़ा मुश्किल है, और जो सरफेस है ना वो कुछ भी नहीं है। जैसे वन प्लस हो गया, एम आई, पोको एक्स थ्री प्रो हो गया, वो नॉर्मल है, प्लेन है, ठीक है। लेकिन सैमसंग में क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये ट्रे जैसा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लीनिंग पे जाएंगे। देखो, क्लीनिंग में जाने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर, जिस सीपीयू में ये ट्रे वाला मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, तो इसमें तीन साइड रिवॉल्व कर रहा होगा, सीपीयू के ऊपर, नीचे और रैम। जिसमें प्लेन सरफेस मिलेगा उसमें सीपीयू के नीचे और रैम, ये दोनों जगह रिवॉल्व होगा, ठीक है। जिसमें ट्रे वाला है उसमें तीन साइड, उसमें जिसमें प्लेन है दो जगह। अब क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान देना कि सीपीयू के नीचे क्लीन हो। कहां पे क्लीन हो, नीचे, नहीं तो क्या होगा कि अगर सीपीयू को ऊपर क्लीन करोगे और फिर नीचे क्लीन करने जाओगे, फिर नीचे डस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लीनिंग कहां होगा, नीचे, नीचे। देखो, ये रख लिया, इसको भी वही सेम प्रोसेस करूंगा, मैं इसमें कर लूंगा सिर्फ रीसोल्ड और क्लीनिंग। देखो सर, आयरन का हिट 380 रहेगा, 350 से 380 के अंदर, वही सेम है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रीसोल्ड, क्या बोलते हैं, रीसोल्ड। भगा दिया तो नहीं जाएगा, जो रिसोल्व कर रहे हो आप, रखोगे नहीं तो कैसे होगा, हवा हवा में काम करेगा क्या, ये हवा में कर रहे हैं, हवा में है, हवा में लग रहा है। अब मैं क्लीनिंग करूंगा जिस तरीके से आपको आयरन के थ्रू बताया था कि एक साइड से करना है, उसी तरीके से इसमें करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का स्क्रैपर ना ही कुछ, ठीक है, सैमसंग के टाइम पे। ये हो गया हमारा क्लीनिंग, अब मैं फाइनल प्लेसिंग किससे दूंगा, डिसोल्वर।
जो थोड़ा सा पेस्ट दिख रही कहाँ दिख रही है, दिख रही है। इसको कोई हीट देने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे स्क्रबर लगाओगे ऑटोमेटिक भाई पेस्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं। और कहाँ दिख रही नहीं, कुछ हीट देने की जरूरत नहीं। तो ये मेरा एक साइड क्लीन हो गया, कौन सी साइड? अब करेंगे ऊपर की साइड, जो सारा मसला ही थे। अब इसको क्लीन करने के लिए आपको डी सोल्डर वायर यूज ही नहीं करना। क्या यूज नहीं करना? अगर डी सोल्डर वायर यूज करेंगे तो ये ट्रे है ना, दोनों आपस में मिल जाए। जैसे ऊपर ट्रे है, ऊपर अगर तुम कुछ घसो 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 तो क्या हो, मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो दोनों बॉल अलग अलग रह पाएगा क्या? दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो इसको कैसे क्लीन करना है? इसको सिर्फ आयरन के थ्रू और थिनर के थ्रू, ड्यूको थिनर के थ्रू क्लीन करना है। कैसे क्लीन होगा देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको। ये मैंने डाला क्या, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, आयरन को ऐसे ऊपर से क्या करूंगा, अच्छा देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक कट दिख रहा है, यहाँ पे एक कट दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। तो ये जो बड़ा सा है ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। ये बड़ा सी पूरा का पूरा क्या है? ग्राउंड। ये हमारा सारा काम का लाइन है। तो क्लीनिंग करने के टाइम पे बस इतना ही ध्यान देना है, ये क्लीन हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो डबल डेकर सीपीयू खोलने के बाद दोनों सेम सी मिलेगा, दोनों सेम सी, तो उसमें दोनों ही काम का है, दोनों को सही तरीके से क्लीन करना है। जो डबल डेकर सीपीयू खोलने के बाद बड़ा छोटा मिलेगा, उसमें ये जो छोटा है वो ही काम का है, उसी को ही क्लीनिंग करना है। देखो मैं इसमें कैसे क्लीन कर रहा हूँ, ये आयरन को क्या करूंगा, इसके ऊपर ऐसे घुमाऊंगा, अंदर से जो रंगा है वो क्या हो जाएगा, निकल के मेरा आयरन में क्या हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेस नहीं आयरन को, ऊपर आयरन गर्म होना चाहिए कम से कम 380 तक, नहीं तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मेन पॉइंट एक ब्रश लेना है जो थोड़ा हार्ड हो और उसके आगे की हिस्सा से काट दो तो और हार्ड बनना है, ठीक है। और लेना है यहाँ पे ड्यूको थिनर ही होना चाहिए या हार्ड थिनर, नॉर्मल थिनर या पेट्रोल से ये काम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऐसे बूंद बूंद आपकी थिनर यहाँ पे पड़ती रहेगी, कितने, हाँ। और आप क्या करोगे,
ब्रश चलाके पूरा दबा के पूरा इसके अंदर अगर डस्ट रहेगा तो काम नहीं होगा। सारा डस्ट को क्या करना है, बाहर निकालना है। जितना अच्छा क्लीनिंग होगा उतना अच्छा डबल डेकर आपका एक बार में बनेगा। यही चीज क्लीनिंग मस्ट जरूरी है। इसके लिए लोग केमिकल वगैरह यूज करते हैं, आपको केमिकल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, वो आईसी को खराब भी कर देता है। देखो सब कुछ सही दिख रही है, काला दिख रही है, दिख रहा यस दिख रहा है। तो इसको एक को क्या कर सकते हो, है ना, और बाकी देखे तो छोटे सी देखेंगे, बड़े सी कभी नहीं देखेंगे। देखो बड़े सी पूरा गंदा है, बड़े सी से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम कहाँ है, ठीक है। तो हम आएंगे, ये हमारा क्लीनिंग हो गया है, अब क्या करेंगे, रिबॉर, क्या करेंगे, रिबॉर। रिबॉल के लिए, अच्छा चलो क्लीनिंग के लिए कौन सा हिस्सा यूज किया सबसे पहले, रिबॉल के लिए ठीक उल्टा होगा, रिबॉल के लिए सबसे पहले ऊपर वाला है फिर नीचे वाला, ठीक। तो सीपीयू के ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसके वो रिबॉल करने के लिए कोई भी स्टेंसिल नहीं आता है, इसको हाथ से ही रिबॉल करना होगा। कैसे, देखो कैसे, थोड़ा सा पीपीटी में हाथ में ले लिया से, ठीक है, और ऐसे रखना है, ये भर देना है ट्रे का, ये जो गड्ढा है ना इसके अंदर क्या करना, भर देना। समझ लो, अब उसके बाद किसी कपड़े के ऊपर रख के इसको क्या करना होगा, और इसको पोंछ लेना, बाहर बाहर जो भी है वो निकल जाएगा, अपना ट्रे के अंदर जितना होना चाहिए उतना आ जाएगा। ये ऐसे क्लीन कर लेना, इसी को रख के बीच में मस्त क्लीन कर लेना। अब इतना भी दबाना मत कि इसी बीच से खत्म हो जाए, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा भरने के बाद, दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छे से देखना, दिख रहा है, हमें ध्यान देना किसको है, छोटे, ठीक है। अब यहाँ पे हीट कितना होगा।